सो गाइज अब आलोक चलाएगा साइकिल, हम चलाएंगे बाइक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वांडरलस्ट अनुज, एंड सबको जोहार। सो अभी मैं एक साइकिलिंग पर निकल रहा हूँ, अराउंड 10 किलोमीटर है मेरे घर से और फिर वापस आना, तो अराउंड 20 किलोमीटर का ये साइकिलिंग होने वाला है। सुबह के अभी बज रहे हैं 5:15, थोड़ा सा लेट हो गया है। सुबह ऐसे मैं जॉगिंग करता हूँ, लेकिन अचानक ये साइकिलिंग का प्लान बना क्योंकि रांची से आज आ रहे हैं आलोक भाई आ रहे हैं। सो मैं वहाँ जा रहा हूँ, जो रामगढ़ का घाटी है वहाँ पहाड़ी मंदिर है, वहाँ जा रहा हूँ। सो आलोक है जिसका चैनल है रांची राइडर करके, वो भी आ रहा है। सो चलिए अभी चलते हैं साइकिलिंग में और आप लोग से मिलवाते हैं और सुबह का आनंद लीजिए, सुबह सुबह इस वीडियो का। सो गाइज, आप लोग अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते होंगे तो कल भी मैं शाम में वहाँ गया था घाटी के पास 10 किलोमीटर, और कल मैंने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया था 10 किलोमीटर, और आज फिर सेम जगह जा रहे हैं क्योंकि आलोक भाई ने मुझे बुलाया है। और जो मेरा घर के बगल में है वो मिलिट्री कैंप एरिया पड़ता है, जिसके वजह से देख सकते हैं ये जो अगल बगल आप मेरे जो देख रहे दोनों तरफ वो भी है मिलिट्री कैंप का एरिया है, कैंप का। सो देख लीजिए दोनों तरफ घनघोर जंगल है, तो यहाँ कभी भी आप पार करो तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फ्रेश लगता है। सो गाइस, मैं रामगढ़ का सुभाष चौक पहुँच गया हूँ। सो गाइज, अगर आप रामगढ़ से रांची तरफ जा रहे हो तो बिहाना का आपका चढ़ाई है, आपको यहाँ से ही चढ़ाई आपको दिखना मिल जाता है, यहाँ से ही रामगढ़ चौक से ही सुभाष चौक से ही चढ़ाई है पूरा रांची तक। घाटी में तो चढ़ाई है ही, पर वहाँ पटेल चौक तक, जो रामगढ़ का पटेल चौक है, वहाँ तक भी चढ़ाई है। सो आज मैंने चेस्ट माउंट लगाया है, साइकिल का हेलमेट एक लेना है, पर अभी डिलीवर्ड नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये पिन कोड पे रांची में भी नहीं हो रहा है। आलोक लगता पहुँच गया है क्योंकि मुझे फ़ोन आ रहा है, फ़ोन मेरा बैग, गाड़ी आ गया तो फ़ोन मेरा बैग में रखा हुआ है, मुझे तो थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि इधर से चढ़ाई अब बहुत ज़्यादा है। कैमरा में पता चले या ना चले पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ देख सकते हैं। सो आलोक का फ़ोन आ रहा है, देख लीजिए, बात करते हैं। हेलो, कहाँ पे? बस पहुँचने वाले हैं। कहाँ? हमको तो दिख नहीं रहे, हम यहाँ पे हैं, पर यहाँ मंदिर है ना, मंदिर। अच्छा, पटेल चौक के पास। हाँ, यहाँ पे जो चौक के पास जो मंदिर है वहाँ पे। हाँ तो पहुँचने ही वाले, बस 5 मिनट रुको। ठीक है, सो गाइज अब आलोक चलाएगा साइकिल, हम चलाएंगे बाइक। चलिए बाइक निकालिए। सो गाइज, रांची राइडर का चला रहे हैं भाई, माइक नहीं है, सॉरी ऑडियो के लिए। मेरा घुटना दर्द दे रहा है मेरा। देख, पहला दूसरा दिन तो मेरा भी भयानक दिया था, दूसरे दिन में जोर से मार दिए। हाँ, जोर से चढ़ाई में चल दिया ना, असल बात बहुत जल्दी पहुँच गया। हाँ, चला भी तो रहे थे 120-140, 148 चटा दिए। राइट। सो गाइज, ये रहा पटेल चौक रामगढ़ का, और वो मंदिर है ऊपर एक पहाड़ के, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर पहाड़ की तरफ, और इतना यहाँ चढ़ाई है कि साइकिल तो चढ़ेगा नहीं भाई, ऐसे ही थक के हालत ख़राब है।
तो इसलिए अभी हम पैदल चल रहे हैं। सो गाइस यहाँ से व्यूज़ देखिए कितना लाजवाब व्यूज़ है। देखिए अभी हम लोग ऊपर में आ गए हैं, उतना ऊपर तो नहीं आए हैं फिर भी। सो ये रहा आलोक भाई अपना रांची राइडर, बहुत दिन के बाद आज इनसे मिले हैं, लगभग लॉकडाउन से पहले मिले थे और आज लॉकडाउन मतलब ख़त्म तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आज 3 महीने के बाद हम लोग मिले हैं। बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह अचानक फ़ोन किया हमको आलोक भाई कि अनुज भाई मिलना है, चलिए आते हैं, यहीं पर आते हैं रामगढ़ घाटी के पास, वहाँ पर मिलते हैं। हम भी बोले चलो ठीक है, साइकिलिंग से आ गए। सो कैसा लगा आज? अरे मज़ा, मतलब इतना दिन के बाद सोलो राइड मारे, इतना लंबा राइड 20-22 किलोमीटर का शायद था और इतना मज़ा अनिल भाई से मिलने का था। 3 महीने के बाद मिल रहे, पहले तो हर वीक 10 दिन में मिल लेते थे और 3 महीना बाद मिल रहे, मतलब अनिल भाई पूरा यंग दिख रहे, पेट वेट पूरा पूरा स्वेटिंग हो गया, पूरा एक्सरसाइज किए, खड़ा मड़ा हम भी कर लिए। सो आज है 19 जून है। सो हम लोग का प्लान बना था लद्दाख का, आज हम लोग अगर यहाँ पर नहीं होते तो अभी हम लोग कहाँ होते? पेंगोंग लेक में आज हम लोग का सुबह होता अगर ये कोरोना वायरस अगर नहीं आता तो। आई थिंक क्या करें, बहुत दुख की बात है लेकिन आज हम लोग रोना आ रहा है। सो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए वीडियो, आगे निकलते हैं फिर यहाँ से। सो गाइस टाइम हो गया है 7:15 होने वाला है, देख लीजिए और निकलते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ से जाते वक्त क्योंकि अभी थोड़ा ढलान है। चलो फिर मिलते हैं, चलो बाय बाय। बस ऐसे लगे रहिए, वेट कम करते रहिए। हाँ पास रहिए, आलोक रास्ते में ज़्यादा यंग आप दिख रहे हैं, रुके तो बूमरांग ले लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, कल हुआ हो सकता है या आज रात में, ट्रक कैसे यहाँ घुस चुका है देख लीजिए मार के यहाँ पे इधर। सो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और मुझे अभी वापस भी जाना है घर। सो आज का जो मेरा साइकिलिंग था टोटल 20 किलोमीटर आज फिर हो जाएगा। सो आलोक भाई से भी मिले, बताइए कैसा लगा आलोक भाई से भी मिल के। सो आलोक भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जाके भाई को भी सपोर्ट कीजिए, रांची राइडर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनका, उनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, देखिए उनका भी बहुत मस्त कंटेंट है, मोटो ब्लॉगर है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सबको बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस, हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते कहीं और किसी और सफ़र में।